हाउ आर यू ऑल? यू ऑल आर फाइन ना? यस। और आप अच्छे से हेल्दी वेल्दी रहे, इसके लिए मैम आज आपको पर्सनल हाइजीन के बारे में बताएगी। सो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगी, व्हाट इज पर्सनल? पर्सनल पर्सनल इन द सेंस जो मेरा है, माय नेल्स, माय टीथ, माय नोज, माय आईज। तो जो चीज़ मेरी है वो मेरी पर्सनल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उसको नीट एंड क्लीन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। एंड अब आप लोग भी बड़े हो गए, यूकेजी क्लास में आ गए हैं, तो आपको भी अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, नाउ मॉर्निंग में उठ के आपको ब्रश करना है विद पेस्ट, और सोने से पहले भी आपको ब्रश करना है। एंड टाइम टू टाइम हर थोड़ी थोड़ी देर में आपने खाना खाया, देन हैंड वॉश करो। खाना खाने से पहले हैंड वॉश करो, खाना खाने के बाद हैंड वॉश करो अच्छे से। ओके, और अभी तो ये कोरोना वायरस जो है, इसमें भी आपको बार बार टीवी पे भी बताया जा रहा है, आपके पेरेंट्स भी बोल रहे हैं, तो हमको कहीं पर भी हाथ लगाने के बाद हैंड वॉश करना ही है। और अगर आप कहीं मॉम डैड के साथ जाते हैं तब आपको इसको कैरी करना है अपने साथ, कॉम्पैक्ट हैंड वॉश। ओके, एंड अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप सैनिटाइजर यूज़ करेंगे, जिससे हमारे पास कोई भी बीमारी नहीं आए। सबको बाय बाय करना है हमको, कोई भी ना, हमको छींक आए ना, हमको कोल्ड हो, फीवर हो, ये सब हम लोग को जो डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, जब हम गंदे रहते हैं। अभी क्या है, कुछ लोग अपने नेल्स कट नहीं करते, तो जब नेल्स कट नहीं करेंगे तो उसके अंदर गंदा गंदा भर जाएगा। तो जब हम कितना भी हम हैंड वॉश करेंगे, बट नेल्स के अंदर जो है वो नेल्स में ही रहेगा। एंड जब हम कुछ खाएंगे तो वो जो नेल्स का गंदा है वो हमारे मुंह में जाएगा, अंदर जाएगा, फिर हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, बुखार हो जाएगा। तो इसकी केयर हमको ही करनी है। ओके, नाउ अभी मुझे लग रहा है आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो अभी सब बच्चे बहुत ध्यान रखेंगे मैम की एक एक बात को, अच्छे से इस क्लिपिंग को 2-3 times देखेंगे। और देखिए, अभी लॉकडाउन है, अभी आप बाहर नहीं जा सकते, कहीं ना आपके घर में कोई आ सकता, तो आप कुछ नया करिए। देखिए मैम ने क्या किया, मैम ने कितना अच्छा एक फाइल तैयार किया है, देखिए आप लोगों के लिए। अब आप भी मेरे लिए कुछ तैयार करेंगे, जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद स्कूल खुलेंगे, आप स्कूल में आएंगे, फिर आप मुझे बताएंगे मुझे कितना अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी कुछ तैयार करिए, वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाओ, पेन होल्डर बनाओ, कुछ न्यू टाइप से मास्क बनाओ। मैं आपको एक क्लिपिंग भेजूंगी जिसमें एक बच्चे ने बड़े अच्छे से मास्क बनाना बताया है, आप लोग भी इसको ट्राई करना। ओके, थैंक यू बच्चों, आई मिस यू।